नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉच। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के भीतर भारी घमासान की खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार खबरें हैं मायावती का वार, अखिलेश यादव का पलटवार, अखिलेश यादव का वार, मायावती का पलटवार। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं और हम कोशिश करेंगे उन सवालों पर एक सटीक विश्लेषण करने का, समझने का कि क्या चल रहा है। आखिर तीन सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, नए प्रभारी। एक जमाने में मधुसूदन मिस्त्री जब यूपी कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते तो सह प्रभारी की भूमिका में अविनाश पांडे रह चुके। बतौर प्रभारी कई राज्यों में सफलतापूर्वक कमान संभाल चुके हैं। राजस्थान में भी थे, उस दौर में थे जब पायलट वर्सेज गहलोत ये झगड़ा अपने चरम पर। अब जब यूपी में कदम रखा है अविनाश पांडे ने तो पार्टी के भीतर तो झगड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्टी के जो खेवनहार दो बनने वाले हैं या एक तो बने हुए हैं अखिलेश यादव, उनके बीच एक टकराव दिख रहा है। तो क्या अविनाश पांडे के आने से टकराव शुरू हुआ है या अविनाश पांडे टैकल कर पाएंगे इस टकराव को? और इस जो मायावती बनाम अखिलेश यादव एक संघर्ष सा दिख रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, असली वजह क्या है? क्या वाकई अखिलेश यादव और मायावती के बीच इतनी बड़ी खाई है, इतनी गहरी खाई है जो खाई पार्टी नहीं जा सकती? अखिलेश और मायावती के रिश्ते रहे कैसे हैं और अब कैसे हैं, और कल आने वाला कल, कल में कैसे हो सकते हैं रिश्ते? महत्वपूर्ण ये भी है समझना। और तीसरी बात इन दोनों सवालों से महत्वपूर्ण, जो इन दोनों सवालों का जवाब देने जिस सवाल से निकलेगा, मायावती ने आज एक ट्वीट किया, कहा फ्लाईओवर जो मायावती का जो ऑफिस है बहुजन समाज पार्टी का, उसके बगल से एक फ्लाईओवर बना था समाजवादी पार्टी की सरकार। मायावती ने सवाल खड़ा किया, कहा ये फ्लाईओवर बनाया गया जानबूझकर और इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है, हमें कहीं और दे दिया जाए दफ्तर, ऑफिस के लिए जगह कहीं और दी जाए। ये इस वक्त में किसी की कल्पना से परे था इस दफ्तर और फ्लाईओवर की चर्चा करना। अखिलेश यादव भी मैदान में आए, उन्होंने कहा केंद्र से कहा के बुलडोजर मंगवाइए और गिरवा दीजिए फ्लाईओवर। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ गए, कहे कुछ लोगों के ट्वीट्स में पढ़ता ही नहीं। इन सब के बीच एक शख्स की और एंट्री होती है, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अक्सर भाजपा के भीतर की खेमेबाजी और घमासान को लेकर के ही इनकी खबरें चलती, नहीं तो खबरों से बाहर रहते हैं। विपक्षी दल तो इन्हें देख करके पता नहीं क्यों स्टूल की चर्चा शुरू कर। केशव मौर्य सामने आए, उन्होंने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं मायावती जी को सुरक्षा देने के लिए, मायावती जी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही है कि दिल्ली दरबार उन्हें गृह मंत्रालय दिलवाना चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि केशव और गृह बिल्कुल नहीं दूंगा, गृह मंत्रालय भी नहीं है। लेकिन केशव मौर्य मायावती की सुरक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैदान में कूद गए हैं। समझिएगा, सियासत में हर बात के पीछे एक गहरी बात छिपी होती है। आखिर सुरक्षा कैसे देंगे? योगी आदित्यनाथ को बोलना चाहिए था, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उनको बोलना चाहिए था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती या बयान जारी होता, लेकिन नहीं, केशव मौर्य। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस इन तीनों की जो तिकड़ी, संभावित तिकड़ी, उससे जो बैठा हुआ डर है, वो डर सामने आया और केशव मौर्य बोलने लगे? इन तीन सवालों के इर्द गिर्द
उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सियासत को समझने की जरूरत है। और समझने के लिए, इस पर चर्चा के लिए लखनऊ से आलोक पाठक हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, मैंने जो समझा अब तक उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आपस में, और इन बयानों के पीछे, देखिए बयान जिस पर सामान्य तौर पर खबरें चलाई जाती, ये बयान हकीकत नहीं बयां करते हैं। बड़ा अद्भुत है, सियासत में बयान हकीकत नहीं बयां करते, हर बयान के पीछे कुछ और कहानी होती है, हर ट्वीट के पीछे कोई और स्क्रिप्ट चल रही होती है, स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। आखिर चल क्या रहा है ये अखिलेश यादव और मायावती के बीच? अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी बन के आए, बीच में उनका नाम भी उछाला जा रहा है, और एकाएक कल तक तो मामला ठंडा ठंडा सा दिख रहा था, लग रहा था कि सब कुछ ओके है, ऑल इज वेल, एकाएक ये टकराव घमासान क्यों दिखने लगा? क्या है इसके पीछे का खेल? देखिए, पहले शुरुआत तो कल ही हो गई थी, कल बहन जी ने ट्वीट किया था कि सपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और वो ट्वीट था अल्पसंख्यकों को लेके। लेकिन आज का ट्वीट एक हाथ बढ़कर था, जिसको कहते हैं ना, एक आगे, मतलब सेकंड पार्ट था। बहन जी आजकल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, कोई इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन नहीं करती, वो ट्वीट करके छोड़ देती है। जो बहन जी ने ट्वीट किया कि फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी से के लोगों से उनको खतरा है और उनको ऑफिस की नई जगह बना दी जाए, इस वजह से अपने बसपा ऑफिस सुरक्षित है, इसलिए वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपने घर में करती हैं, इसलिए उनको नई जगह दी जाए जहां पे वो अपना नया ऑफिस शिफ्ट कर सके, एक ऑफिस तो रहेगा रहेगा। ये ट्वीट तो चलिए भाई चल सकता था, लेकिन उसके बाद जो मायावती जी के उत्तराधिकारी बन गए आकाश आनंद जी, उन्होंने एक लाइन फिर से लिखी ट्विटर पे जो 2007 में चलती थी कि चल चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ। अब इसने आग में घी का काम कर दिया, ये सपा बसपा के रिश्ते को उस दौर में लेके चला गया जो 2007 तक था। बड़ा सवाल ये है एज ए पत्रकार या एज ए यूपी के निवासी ग्रुप में, कि ये ओवरब्रिज तो बना था 2012 से 2017 के बीच में, इसमें उनका आवास आया था, उनके आवास की सुरक्षा के लिए इसमें दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, दोनों तरफ पुल के दोनों तरफ वो लगाए गए कहीं कुछ दिखे ना, और ये ब्रिज बनना बहुत जरूरी था, नहीं तो लखनऊ में भयंकर जाम होता, आप भी जानते हैं। अगर यहाँ पे नहीं, नहीं, हम ब्रिज पर चर्चा नहीं, ब्रिज तो ब्रिज हमेशा जरूरी है, बड़े शहरों के लिए ब्रिज जरूरी है, ब्रिज मायावती का घर, अखिलेश का घर या मोदी का घर देख के नहीं बनाया जाएगा। अब जो विवाद हुआ, देखिए अब समझ में ये आ रहा है मुझे, कल तक तो ये था कि ये सब कुछ ज्यादा सीटें लेने का मामला था, लेकिन आज ये लग रहा है कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और है, क्योंकि बहन जी को अब लग रहा है कि हमारे पास जो वोट परसेंट बटा था 12-13%, मेरा जो 20% का वोट बैंक था उसमें कुछ वोट बैंक छटक के चला गया भाजपा के साथ, और कुछ पे अखिलेश यादव जी ने अपना कब्जा कर लिया, तो वो इनसिक्योरिटी की बात करके वो उस वोट बैंक को लाने की कोशिश है वापस, कि तुम आ जाओ वापस, तुम्हारे एकमात्र, तुम्हारी जो जो 20% वोट है उसके मालिक एकमात्र हम ही हैं दलितों के। अब उसमें अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था आज, और ये मैं बोलूं कि मीडिया में सुपाड़ी पत्रकार होते हैं, सुपाड़ी पत्रकार मतलब जिनको की भाजपा कार्यालय से बोला जाता है, भाजपा के यहाँ तो मीडिया इंटरेक्शन होता नहीं, योगी जी के आप सवाल पूछ भी सकते हैं, केशव मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कवर कर ली तो योगी सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी, तो वहां सवाल प्लान करके पूछा गया, बहुत अच्छी माँ वो बात कर रहे थे दूसरी चीजों पे, जानबूझ के इस सवाल को पहली बार उन्होंने टाला कि अरे तुम लोग भाजपा के एजेंट की तरह क्यों सवाल पूछ रहे हो। जब बार बार पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने घुमा दिया, उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों, पहले बोला कि मैं कुछ लोगों के बयान अब ट्विटर पे पढ़ता ही नहीं, और आप बार बार पूछ रहे हो, मैं आपके आपका जो चैनल है उसको भी ट्विटर पे कल से आज से पढ़ना बंद कर दूंगा, ये जगह। लेकिन जो डाउन द लाइन लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये अगर अब आज की डेट में इन बयानों के बाद जो कटुता आ गई है, जो दूसरी श्रेणी के सपा के नेता है वो जिस तरह से आकाश आनंद के ट्वीट पे रिएक्ट कर रहे हैं, और वो
मुस्लिम की बात होने की, तो वो कोई जियाउल हक की हत्या की बात कर रहा, तो फिर वो बसपा शासन काल में। नहीं, यहाँ पर यहाँ पर मैं रोकूंगा एक मिनट, एक सवाल और जोड़ूंगा। आपने कहा जो दूसरे दर्जे के मतलब सेकंड लेयर जो है वो हमलावर हो गए, ये सेकंड लेयर तो अक्सर अक्सर किसी भी राजनीतिक दल में ये सेकंड लेयर, कांग्रेस कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट पता है आपको सेकंड लेयर जो बतौर पत्रकार हम देखते हैं, ये हमसे नहीं आकर के किसी कांग्रेस के लीडरशिप ने टॉप लीडरशिप ने बताया, लेकिन सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर सिर्फ फर्स्ट लेयर को यानी गांधी परिवार को खुश करने में उसकी एक ही ड्यूटी, उसके पास 10 आदमी नहीं है खड़े होने के लिए, उसके पीछे 10 कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा ऊर्जा पूरी ऊर्जा वो जाया कर देता है खुश करने में कि राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, बस हमारी दुकान चल। तो ये सेकंड लेयर किसी भी दल के लिए, तो ये सवाल पूरा एक बार पूरा होने दीजिए, सेकंड लेयर किसी भी दल के लिए घातक है, वो चाहे कांग्रेस हो भाजपा में, इसीलिए इस मामले में इतने क्रिटिसिज्म के बाद भाजपा एक मामले में, मैं भाजपा की आज के दौर में राजनीतिक स्टाइल को मानता हूं, तारीफ भी कर सकता हूं उसकी, क्योंकि पार्टियां बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल नहीं रही, भाजपा में कोई सेकंड लेयर नहीं है, एक ही लेयर है, उसे आप लेयर कहो, एयर कहो, लीडरशिप कहो, शीर्ष पुरुष कहो, शिखर पुरुष कहो, जो मान करे कर, एक ही लेयर है, बाकी कोई लेयर नहीं, वही बोला जाता है और कोई वहां खुश करने जाता भी नहीं है, जो खुश करने जाता है वो दुखी होकर लौट आता है, वो लेयर बड़ी स्ट्रांग है, सिंगल लेयर। ये सभी पार्टियों में इसको स्वीकारें न स्वीकारें बाकी दल विपक्षी दल, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत अपने अनुभव को जरूर कहूंगा कि ये सब दलों में कांग्रेस के साथ ये दिक्कत, समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत, अक्सर हमारे अशोक वानखेड़े जी कहते हैं ना कि चाय से गर्म केतली, वो चाय से गर्म केतली वाला हाल है, चाय कम गर्म होता है, अखिलेश जी मान लिया टाल दिए, अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं नहीं हम तो पढ़ते नहीं, अब इधर वो पढ़ते नहीं, इधर ये पन्ना फाड़ना शुरू कर देते हैं जो सेकंड लेयर वाले, वो कहे पढ़ते नहीं, इधर ये पन्ना अपने ही डायरी अपने ही किताब का पन्ना फाड़ने में लगे, फाड़ दूंगा सारे पन्ने किताब कॉपी सब फाड़ के रख दूंगा, अखिलेश यादव खुश हो जाएंगे, ये दिक्कत है सेकंड लेयर के साथ। नहीं अभी अभी सवाल, अभी तो मैं अपनी बात रख रहा था, सवाल पे आता हूँ, सवाल ये है कि कल तक बनती बनती सी बात दिख रही, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अखिलेश यादव की तरफ से भी ये इशारा था कि हाँ सब कुछ ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा, ठीक ठाक होगा, अविनाश पांडे भी लगे हुए थे जब से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी में, मायावती की तरफ से भी ये लग रहा था कि मामला सब ठीक, हालांकि राजनीति में कटुता की कोई सीमा नहीं है, ये तो बहुत प्रारंभिक चरण है, इसमें तो 2-4 बयानबाजी हुई है, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा कटुतापूर्ण बयानबाजियां हुई थी जब कमलनाथ और अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त आप याद करें, यही इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि दर्शक भी समझें, बहुत जल्दी वो कुछ मीडिया हाउसेज गोदी मीडिया दिखाते इतनी जल्दी डिस्कस मत पहुंची, ना हमारे बताए निष्कर्ष पे पहुंचिए ना किसी के बताए निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अब हो गया, अलग हो गए, टूट गए, फूट गए, ना एमपी में मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश बोल दिया, ये छोटी बात, ये तो अभी मायावती ने नहीं बोला, अखिलेश वखिलेश, उसके बाद कितनी बयानबाजियां हुई थी, टॉप लीडरशिप कांग्रेस के फेस राहुल गांधी, राहुल गांधी के बारे में आईपी सिंह ने क्या क्या ट्वीट कर दिए थे, अखिलेश यादव के खास लोगों में है आईपी से, क्या क्या ट्वीट कर दिया उन्होंने, ट्वीट डिलीट भी करवाया फिर अखिलेश यादव ने कहा तो ट्वीट डिलीट भी हुआ, लेकिन आज की तारीख में खड़े हैं साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खड़े हैं, वो स्थितियां परिस्थितियां राजनीति की उस पर भी एक विषय रखेंगे कि किसकी क्या मजबूरी है, तो इन स्थितियों में अभी बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं है, ये तो अभी सामान्य प्रक्रिया है आरोप प्रत्यारोप, इस आरोप प्रत्यारोप से क्या ये मान लिया जाए कि अब चैप्टर क्लोज हो गया है, मायावती कांग्रेस अखिलेश यादव जयंत चौधरी ये चौकड़ी एक साथ आए या आती उससे पहले ही ये सारा का सारा प्लान बिखर गया, क्या ये मान लिया जाए। दूसरा इसी में एक और सप्लीमेंट्री सवाल है
कि मायावती को जानने वाले तमाम लोग, हमारे भी टीम के कुछ लोग हैं जो बड़े करीब से मायावती की रणनीति और मायावती को उन्होंने लीड किया है, उन्होंने भी चर्चा में बताया कि बहन जी ने जो पिछली बार 19 में गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव दिल्ली आए, उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये लो इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी पे अपना तय कर लो। क्या वही प्रेशर तो नहीं है? क्योंकि राजनेता हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, हर आदमी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाती तो अभी देखते आप क्या प्रेशर होता उसको। तो कहीं वही तो नहीं रिपीट करना चाह रही है मायावती कि इतना प्रेशर बिल्ड करें? क्योंकि देखिए आप, कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है मायावती, कांग्रेस को मायावती जो जो सीट पे उंगली रख देगी कांग्रेस कह देगी हाँ बहन जी आप लड़ लो। असली चुनौती कौन है? असली चुनौती अखिलेश यादव है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल समझिए, असली चुनौती अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव बार्गेन करेंगे, अखिलेश यादव 19 के भुक्तभोगी भी हैं बकौल समाजवादी पार्टी, तो वो अपनी सीटें चिन्हित करेंगे। क्या ये आखिरी प्रेशर होता है ना कि एक बार मिलने से पहले टकरा जाना, भिड़ जाना, लड़ जाना, आखिरी प्रेशर पॉलिटिक्स से आखिरी दांव है मायावती का कि बिल्कुल अब बिखरता टूटता देख करके कोई समझाइश होगी कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश को समझाया जाएगा कि अच्छा चलो बहन जी की ही इच्छा से चलो, क्या ये आखिरी ऐसी कोशिश तो नहीं है? सवाल बड़ा लंबा हो गया है, पूरा जवाब दे दीजिए आप। मैं आपके जवाब की शुरुआत करूंगा कि आज सुबह यूपी में कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, फोन पे बात हुई, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उनका उनका ये कहना है कि कांग्रेस को, सच बताऊं कि कांग्रेस को अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो लोग जो राहुल गांधी के करीबी, वो चाहते हैं कि हर कीमत में सपा बसपा का गठबंधन हो जाए और RLD भी उस गठबंधन का हिस्सा। उन्होंने बड़ी स्पष्ट सी बात है कि देखिए भाई साहब, अगर ये गठबंधन नहीं बनेगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर 5-10 साल पीछे चली जाएगी, विधानसभा की बात नहीं कर रहे, मतलब फिर हमारा पूरा यूपी में एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो जिस लेवल पे हम आ गए हैं 2% पे, उससे हमको आगे बढ़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा सपा बसपा और RLD को साथ लेके। अगर हम किसी एक के साथ जाएंगे, किसी भी एक के साथ हम जाएंगे, तो हमारे हमारे वोट बैंक में हमारे विने, विने, हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम। ये उस आदमी की स्वीकारोक्ति थी सुबह के समय। तो ये उन सुबह से मेरी बात हुई, उसके बाद ये ट्वीट आने शुरू हो गए। देखिए सच्चाई ये है कि अभी भी मुझे जो लग रहा है कि बहन जी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार बात हो रही थी गठबंधन होगा, ये होगा, वो होगा, और दिल्ली बुलाया गया और ये लिस्ट दे दी गई कि इन सीटों पे हम लड़ेंगे बाकी भी आप लड़ेंगे। रणनीति इस बार दूसरी है, इस बार 2024 से ज्यादा चिंता 2027 की है, 27 की चिंता ज्यादा है, क्योंकि मुलायम समाजवादी पार्टी कंसिस्टेंटली 2017 में तो नीचे गई लेकिन उसके बाद उसका वोट परसेंटेज गिरा नहीं, बढ़ता ही चला गया और बढ़ते बढ़ते 32% हो गया। और आज वो दिन था जिस जगह, जब हम लोग से मीडिया को मिलने के लिए हम लोग को अखिलेश जी ने बुलाया था, तो पूरे प्रदेश के 75 जिले के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और महामंत्री उस हॉल में बैठे हुए, और पहली बार मैंने देखा सपा की चीजें नॉर्मली अब बाहर नहीं आती हैं। सपा ने बात की, मुझे पता क्या बात हुई, उसमें फीडबैक लिया गया है कि कौन कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और जीत सकता है, ये पूरी तैयारी 80 सीटों पे की गई है। लेकिन सपा के करैक्टर के विपरीत जाके उस मीटिंग के खत्म होने, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं स्पेशली रुका रहा हूँ और कम से कम 15-20 जिला अध्यक्षों से मैंने बात करने की कोशिश की, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि मीटिंग हॉल के अंदर क्या हुआ। ये डिसिप्लिन आपको या तो भाजपा में मिलता है या बसपा में मिलता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अब सपा अपने कैडर पे बहुत ज्यादा काम कर रही हो, और एक मेरे पत्रकार साथी ने कहा कि अगर वो भी काफी देर तक प्रयास करते रहे, बड़े मीडिया हाउस के थे, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कि वो भी काफी देर तक कोशिश करते रहे कि इनमें से कोई एक आदमी टूट जाए, बता दे के अंदर क्या बातचीत हुई। हर आदमी ने प्यार से हम लोग को बात की ताकि हम लोग जान जाए पत्रकार है तो भाई
और लेकिन प्यार से कितने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, हाँ भाई साहब चलते हैं, भाई साहब मैं भी आता हूँ, लेकिन जब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं तो उनपे चर्चा ही क्या करना, उन्होंने नहीं बताया। अखिलेश यादव और मायावती का क्या होगा? नहीं नहीं, मेरे पास डिटेल ये थी कि वो लोग कैंडिडेट की लिस्ट लेके आए थे कि कौन कौन कैंडिडेट जीत सकता है, एक तैयारी का लेवल ये देखिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर बहन जी दबाव बनाएंगी, मैं आ रहा आपके जवाब पे, बहन जी कहेंगी कि ये जो है 40 सीटें हमको दे दो, क्योंकि यहाँ पे यादव भी है, यहाँ पे हरिजन भी है, मुसलमान भी है, जो उन्होंने पिछली बार किया। बहन जी 10 सीटें इसलिए नहीं जीती पिछली बार कि बहन जी ने 10 सीटें वो चूज की थी जहां पता था कि वहां पे विपक्ष जीतेगा ही जीतेगा। वो अब की बार वो दबाव नहीं बन, वो अखिलेश यादव उस दबाव को नहीं बनने देंगे। मैं आज बता रहा हूं, अगर जिन सीटों पे सब देखिए सब, मैं क्यों इस बात को इतना इतनी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग 2019 के बाद लगातार काम कर रहे हैं, और जो पिछली बार हुआ तो उन्होंने समझाया अपने कैडर के, चलो यार हो गया, हम लोग को हमारा मेन उद्देश्य बीजेपी को हराना है। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, वो जो अखिलेश यादव ने कल कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद बहन जी कहीं एनडीए के पास न चली जाए। बहन जी आज समझौता इसलिए कर रही है कि उनके लोकसभा की सीटें बढ़ जाए, जो उम्मीद है कि अगर अकेले लड़ेंगी तो हो सकता 5 या 10 सीटें ना आए, लेकिन अगर विपक्ष का गठबंधन बनता है तो वो टारगेट कर रहे हैं 15-20 सीटें आए। तो अखिलेश यादव ने ये जो कल बयान दिया था वो उनके कैडर का, देखिए कोई भी नेता जो अपनी पार्टी को इग्नोर करेगा, वो नेता अपनी पार्टी पे कंट्रोल हो बैठेगा। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि हमको अपने कैडर की बात को अनसुना नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहन जी अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगी, बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगी, तो मैं आज बोल रहा हूं कि आज के बॉडी लैंग्वेज से और कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि बहन जी को अपनी शर्तों पे गठबंधन में तो नहीं आ पाएंगी। हाँ, जो आम सहमति, मतलब हर स्टेक होल्डर का इसमें रोल है, और जयंत चौधरी का भी सबसे थोड़ी देर पहले बयान भी आया, जयंत चौधरी ने भी, आप तो वहां बैठे हुए हैं आशीष जी, और आपने वहां की राजनीति को हमसे ज्यादा कवर किया है, जयंत चौधरी का कैडर भी एक सीमा से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है बस। तो और ये और जो और उसके साथ साथ एक जो अनएडेड जो एक हिडन फोर्स है जाटव वोट बैंक का, ये भी एक सच है कि उस जाटव वोट बैंक में चंद्रशेखर रावण ने कहीं ना कहीं सेंध लगा दी है। तो ये जो छटपटाहट आप देख रहे हैं बहन जी के कैडर से, कैंप से, वो यही है कि हम दबाव बना के सारी सेफ सीटें ले लें, हम चंद्रशेखर रावण के का जो इफेक्ट है उसको मार्जिनलाइज कर दें, ताकि हमारा 2024 में हो रहे और 2027 में हमारा मुकाबला भाजपा से हो। अब देखिए ये 2024 में 2027 की लड़ाई शुरू हो गई है कि भाजपा वर्सेस सपा होगा कि भाजपा वर्सेस बसपा होगा। अगला सवाल इसी पे है, अगला इसी पर है, बस इसी पर पॉज करो, जरा पॉज करो, एक मिनट रुकिए, पॉज करो। अरे आलोक जी, ये समझना जरूरी है जो मैंने शुरुआत में कहा था, एक और सवाल, ठीक है, मायावती के प्रेशर में अब समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, होगा जो भी होगा आम सहमति से, लेकिन एक सवाल करते थे हम लोग क्या कि उदूलक फुफा बन गए बीच में किसी दो आदमी के बाद में अपने आप, केशव मौर्य इस मामले में एंट्री मार चुके हैं, कहा नहीं नहीं हम पूरी प्रतिबद्धता है हमारी सुरक्षा करेंगे, आपसे मांगा नहीं सुरक्षा, सुरक्षा तो बहन जी मांग रही थी योगी जी से, आप क्या दोगे सुरक्षा, आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी योगी जी के पास ही जाना पड़ेगा। कितने दिन से चर्चाएं हैं, हम भी सुनते हैं, आलोक जी भी बताते हैं कि वो गृह मंत्रालय अब आने वाला है केशव जी के पास, ऊपर से हरी झंडी हो गई है, ऊपर की हरी झंडी नीली झंडी सब योगी जी फाड़ करके किनारे फेंक देते हैं, कहते ना कोई नहीं मिलेगा, किसी को नहीं देंगे। अब सोचिए ऐसी स्थिति में केशव मौर्य कह रहे हैं नहीं हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये प्रतिबद्धता है या डर है? सवाल ये है कि ये प्रतिबद्धता है या डर है, ये खौफ, ये खौफ, ये डर, क्योंकि इंटरनली राजनीतिक दलों का इंटेलिजेंस भी बड़ा स्ट्रांग होता है, और जिस राजनीतिक दल का इंटेलिजेंस कमजोर होता है
वो राजनीतिक दल शासन नहीं कर पाता। भाजपा 10 साल से शासन कर रही निर्बाध, तो उसमें तमाम बाकी फैक्टर्स की भले बात हो चर्चा हो, लेकिन मोदी शाह का इंटेलिजेंस जबरदस्त है। वो दूसरे पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है, बेडरूम में क्या हो रहा है, उस पर भी नजर रखते हैं। इस नजर के बारे में तो आप भी जानते हैं। तो ये जो बयान है केशव मौर्य का, दिल्ली से ज्यादा करीब भी यही माने जा रहे हैं, तो ये दिल्ली दरबार तक खौफ तो नहीं पसर गया है, डर तो नहीं समा गया है? क्योंकि अंदर तो खबर हो चुकी होगी कि समझौता करीब करीब डन हो चुका है। और कहीं ऐसा तो नहीं, आखिरी सवाल ये भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन जी एकाएक, क्योंकि सब कुछ ठीक था, एकाएक हमलावर हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली दरबार से ही कुछ बहन जी को संदेश दिया गया हो कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, फलाना केस है, ढिमकाना केस है, ऐसा कैसे? हालांकि इस मामले में मैं थोड़ा अलग इत्तेफाक रखता हूँ इस बाकी लोगों की राय से, कि अभी अगर मायावती मतलब बहन जी अगर खुल करके सामने आ जाएं, तो इस देश में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी ताकतवर, बहन जी पे हाथ डालने की हिम्मत अभी नहीं है किसी में। बहन जी पे हाथ डालना यानी अपनी सत्ता के लिए, अपनी सरकार के लिए गड्ढा खोदना। एक सिंबल, एक आइकन है, प्रतीकात्मक राजनीति में एक्सपर्ट है मोदी और शाह, तो अभी भी मायावती का वोट बैंक कम हो जाए कितना भी, अभी प्रतीकात्मक राजनीति में, खासकर सामाजिक विमर्श की बात करेंगे, दलित चेतना की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। तो क्या ये दो सवाल एक साथ है, क्या ये खौफ है, ये डर है, प्रतिबद्धता नहीं केशव जी की? और दूसरा इसी में जुड़ा हुआ सवाल, एकाएक मायावती का ये बदलना, ये ट्वीट, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स दिल्ली से हो रही हो, कोई संकेत, कोई इशारा हो? मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 3-4 महीने पहले मई जून के महीने में भाजपा के सांसदों के साथ मोदी जी बैठे थे, और उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि चुनाव में हो सकता गठबंधन भी करना पड़े और आप में से कई लोगों को टिकट न मिले, तो इसके लिए मैंने एक बात बोल दी। अब मैं चाहूंगा ये दर्शक इस बात का मतलब समझें, लेकिन लखनऊ में आम चर्चा यही है पिछले 48 घंटों से कि अचानक बहन जी को ये हो क्या गया, क्योंकि उसके 3 दिन पहले शनिवार की शाम को अविनाश पांडे का बयान था और बाकी लोगों का बयान था कि हम चाहते थे कि बसपा साथ में आए और इस गठबंधन का हिस्सा बने, और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी प्रदेश में हुए बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, केशव मौर्य का जो बयान है, एक सोची समझी रणनीति के तहत दिलाया गया बयान है। देखिए, किसी भी गठबंधन में क्या करना क्या नहीं करना है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल भाजपा नहीं करने वाली, और मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, केशव मौर्य को कुछ मामलों में बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली ने दे दी है। वो कब आपको दिखाई देगा, ये वो उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, किस दिन उनको वो कुर्सी। तो केशव मौर्य से जानबूझ के ये बयान दिलवाया गया है ताकि जो दलित वोटर जो मोदी को मानते हैं कि मोदी की वजह से, मोदी ने हमारा बहुत हितों का ख्याल रखा है, वो वोट ये लगे कि हमारी नेता बहन जी को सुरक्षा देने के लिए पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हुई है। उनको ना अखिलेश यादव से मतलब है, ना बहन जी से मतलब है। वो उस ऑडियंस को ये संदेश देना चाहते हैं, वो दलित समाज के खासकर जाटा समाज को, कि देखो हम बहन जी की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये बता दूं मैं, हो सकता है आजकल में कोई जगह अलॉट भी करा दी जाए, क्योंकि भाई जब भाजपा को कोई चीज करना है, जैसे प्रतीकात्मक रूप से मोहन यादव को बैठा दिया गया, मैं मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश में कहीं नहीं था भाई, तमाम लोग बात कर रहे थे कि जो केंद्र से मंत्री गए हैं वो लोग नहीं, अब मोहन यादव पर चर्चा भी नहीं करेंगे, वो तो सब पूरे देश में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया। भैया सपा से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सपा से बचाव के लिए भाजपा का
भाजपा की तोप खड़ी है, भाजपा का कवच खड़ा है। देखिए कहीं ना कहीं वो क्रोध था अखिलेश जी का। मैं नॉर्मली अखिलेश जी को कभी क्रोधित होते देखता नहीं, क्योंकि वो साफ दिल के आदमी है, इसलिए कई बार बोल देते हैं। जब बार बार बोला गया उस पुल पे, उन्होंने एक बात बोली कि अगर लगता है कि उस पुल से बहन जी को खतरा है तो बहन जी भाजपा से बोल दे, और भाजपा का काम ही बुलडोजर चलाना, बुलडोजर चला के थोड़ी देर में तोड़ दे पुल, न रहेगा पुल न बहन जी को सुरक्षा होगी। तो ये क्या सच है क्या नहीं हमें नहीं पता। और इस वक्त सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन की खबर को रोकने के लिए, मैं बता रहा हूं गठबंधन हो तो दूर की बात है, इसकी खबर को रोकने के लिए भाजपा किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा। चलिए ओवरऑल इस चर्चा में हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या है दिल्ली से दिया गया कोई संदेश है या मायावती का प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या अविनाश पांडे इस चुनौती से पार पाएंगे क्योंकि लखनऊ में उनको सेनापति बना के भेजा गया है उत्तर प्रदेश। इन सारी चर्चाओं में एक बात तो ये समझ में आई कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अब बहुत ज्यादा समझौते के मूड में नहीं है। मायावती समझौते के लिए कदम आगे बढ़ाती हैं, हाथ आगे बढ़ाती हैं या नहीं, यही देखना जरूरी होगा और इसी पर निगाह रखनी होगी। और निगाह इस पर भी रखनी होगी कि मायावती हाथ एक कदम बढ़ाती हैं या नहीं बढ़ाती हैं, अविनाश पांडे उनका हाथ थामते हैं, उनको हाथ बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, कदम बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, चलते चलते एक बात याद दिला दूं मैं आपको कि पिछली बार जब मैनपुरी में सभा थी तो डिंपल जी ने मायावती का पैर छू के आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद ये जो गठबंधन था वो अचानक से बहन जी ने तोड़ दिया था लोकसभा चुनाव के बाद। तो सपा के कार्यकर्ताओं को लगा था कि हमारे मतलब डिंपल जी का पैर छू के आशीर्वाद लेना मतलब सपा के हर कार्यकर्ता ने बहन जी को अपना नेता मान लिया, स्टेज पे किया था। तो उस वक्त उनको बड़ा वो लगा था कि भाई हमारे अखिलेश जी तो भाजपा को हराने के लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं, 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 अब इस पे अभी आप लोग नहीं, अगली बार चर्चा करेंगे। अगर इस पे अगर ये विषय है तो फिर अखिलेश यादव को सीधे साफ साफ मना कर देना चाहिए था से एक महीने पहले ही कि बहन जी मायावती जहां होंगी वहां मैं नहीं रहूंगा, खत्म। कार्यकर्ताओं ने क्या समझा, ये काम लीडर को समझाना होता है, ये काम लीडर को समझाना होता है कि कार्यकर्ताओं ने क्या समझा। वक्त अभी चर्चा इस चर्चा में खत्म हो रहा है, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। हम फिर इस विषय पे अभी आप लोग जिसे बोलेंगे कि इसके कुछ और तो हमें जाए कुछ अंदर से कुछ और खबरें निकाल के लाए, जो खबरें ऐसी हों तथ्यात्मक हो। और बाकी मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे विश्लेषण को आप उसका आकलन कीजिए, आपको जो सही लगे उतना ही मानिए, क्योंकि हम भी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हम न अखिलेश यादव हैं न मायावती हैं और न राहुल गांधी हैं कि हम फैसले लें, हम सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाते हैं और अपना विश्लेषण उसमें जोड़ते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।